हे गाइस नमस्ते, मैं सुगंधा आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्लेवर्स प्रीमियम में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि घर पर हम आइसिंग शुगर और कैस्टर शुगर को किस तरह से बना सकते हैं। सच में ये बहुत ही इजी और एफर्टलेस रेसिपी है जो आप इजीली घर में बना सकते हैं, और ये मार्केट से भी बहुत ही सस्ती पड़ती है आपको अगर आप इसे घर में बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी प्रोसेस किसे किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है हमारे रेगुलर वाली चीनी, ये 1 कप है और वेट में ये 250 ग्राम है। तो ये हमारी वही चीनी है जो हम घर में चाय बनाने के लिए रेगुलर यूज़ करते हैं। तो उसे हम मिक्सी के जार में एक ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि हम इसका एक पाउडर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकें। बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है गाइस, हमें इसकी पाउडर शुगर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारा मिक्सी के जार में डाल दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम इसका पाउडर बना देंगे। तो इस तरह से हमारा पाउडर रेडी है। तो अब हम इसे क्या करना है, एक छन्नी की हेल्प से इसको छान लेना है ताकि हमारा जो मोटा वाला शुगर यानी कि हम कैस्टर शुगर यहाँ पे इजीली मिल जाए। तो यहाँ पे इसी प्रोसेस से हम सारा प्रोसेस कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें से जो पूरी पाउडर शुगर थी वो निकल चुकी है और बची हमारी कैस्टर शुगर है। बहुत ही अच्छे से दानेदार इक्वल साइज़ के दाने बनते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से हम साइड बाई साइड इसे कलेक्ट करते रहेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हम इसमें से सारी कैस्टर शुगर और पाउडर शुगर अलग अलग कर देंगे। तो इस तरह से परफेक्ट हमारी कैस्टर शुगर हमें मिल जाती है। तो हमारे कैस्टर शुगर हमें इतनी मिल चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 ग्राम हमने शुगर ली थी और बाकी की हमारी पाउडर शुगर है हमारे पास। तो हम सेम मिक्सी के जार में इसे ट्रांसफ़र करेंगे ताकि हम पाउडर शुगर को आइसिंग शुगर में कन्वर्ट कर सकें। बेसिकली सिंपल फार्मूला है, हमें पाउडर शुगर में कॉर्नस्टार्च मिलाना है लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने सारी पाउडर शुगर ले ली है और उसमें मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च मिला रही हूँ और इसे हम चर्न कर लेंगे, यानी कि हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो हमने अभी पूरा मिक्सचर ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं यह हमारे परफेक्ट आइसिंग शुगर बनके यहाँ पे रेडी हो चुकी है। आप इसे केक आइसक्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं। यह हमारी होममेड आइसिंग शुगर बनके यहाँ पे रेडी है, आप देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया है कि हमने आइसिंग शुगर और कैस्टर शुगर को किस तरह से बनाया है। तो इसे मैं अभी थोड़ी सी क्लास में निकाल रही हूँ ताकि आपको क्लियर डिफरेंस यहाँ पे पता चले कि आइसिंग शुगर और कैस्टर शुगर किस तरह से दिखती है। तो कुछ इस तरह से दिखती है, ये कैस्टर शुगर थोड़ी सी मोटी होती है, दानेदार इस तरह से दिखती है और आइसिंग शुगर बहुत ही फाइन होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको इस रिलेटेड फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।